डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं स्पेशल बच्चों के लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे और सूजी से बना नाश्ता। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह की भागम भाग में आपको बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि इसे बनाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी हर नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं गेहूं के आटे और सूजी से ये स्वादिष्ट, इजी, बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता। बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला नाश्ता है। इसे बनाने के लिए हमने ये एक कप सूजी लिया है, एक कटोरी हमने इसके अंदर दही डाल लेनी है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मैगी मसाला, तो बच्चों की फेवरेट मसाला है ये, एक पिंच हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इन चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे एक कटा प्याज, थोड़ी सी हमने हरी मिर्च काटी है आधी, एक शिमला मिर्च काटी है और एक ही हमने टमाटर लिया है। थोड़ा सा हम धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा ये हम गार्निश के लिए रखेंगे। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आटा और सूजी से ये जो नाश्ता बनेगा, सबसे बड़ी बात है कि इसे बनाने में देर नहीं लगती और टेस्टी भी बहुत है और हेल्दी भी बहुत है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद बैटर हम तैयार कर लेते हैं। ये हमने बैटर तैयार कर लिया है, इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि सूजी जो है वो जितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है कर ले। 10 मिनट के बाद ये हमारा सूजी का बैटर तैयार है। अब हम लेंगे आटा ब्रेड। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने ये ब्राउन ब्रेड लिया है, आटा ब्रेड। ये हमने मैदे वाला नहीं लिया, हम बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं। तो इसे हमने बनाना कैसे है ये देखें। पहले हम एक तरफ पूरी कोटिंग कर लेंगे, ज्यादा थिक नहीं करेंगे, थोड़ी पतली। इसे पूरा देखें लास्ट तक कि बनाना कैसे है। ये हमने पतली कोटिंग करनी है, इस तरह से रख लेते हैं। एक और हम कर लेते हैं क्योंकि तवे के ऊपर हमारे दो ब्रेड इजीली आ जाएंगे। इसकी भी हम थोड़ी सी पतली कोटिंग करेंगे। ये हमने दो तैयार करके रख लिए हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। ये हमने नॉनस्टिक तवा लिया है, नॉनस्टिक तवे पे बनाएंगे। तो ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं स्पेशल इसे बटर में बनाऊंगी। ये मैंने बटर लिया है, बटर को मैं पूरी तरह से लगा दूंगी। बटर को एक ब्रश के साथ अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। और अब ये ब्रेड है, इसे मैंने पलट के इस तरह से लगा दिया। इसी तरह मैं ये ब्रेड भी पलट के लगा दूंगी। इस ब्रेड के ऊपर मैं थोड़ा सा इस तरह से मक्खन लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा दोनों पे, इधर भी थोड़ा सा लगा लेते हैं। और अब मैंने ये वाला बैटर इस तरफ भी फैला देना है। उसी तरह से मैंने पतला ही फैलाना है, ज्यादा मैंने थिक नहीं फैलाना। ये आप ध्यान रखें कि ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बैटर जो थिक होता है फिर वो थोड़ा सा कच्चा लगने लग जाता है। इतनी जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है और हेल्दी भी बहुत है और बच्चों को बहुत पसंद आएगा, टेस्टी भी बहुत है। लो मीडियम फ्लेम पे हमने बनाना है। एक तरफ से पक गया होगा, 1 से 2 मिनट हमें लग जाते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से सूजी पक चुकी है, इसीलिए मैंने बोला है कि इसको ज्यादा थिक नहीं बनाना। इसी तरह से अब हमने दूसरी तरफ भी सेक लिया। 2 मिनट हो गए हैं, ये हमारा इधर से भी तैयार हो गया होगा। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तैयार है ये। इसे हम उतार लेते हैं, एक प्लेट में रख लेते हैं। अब मैं आपको तेल के अंदर बना के दिखाती हूँ। पहले मैंने बटर में बनाया, तो अब मैं तेल में बनाऊंगी। जैसे आपको पसंद आए आप वैसे बना सकते हैं। तो ये मैंने डाला है तेल, इसके ऊपर मैं थोड़े से सरसों के दाने डालूंगी। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सरसों के दाने डालने से। इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके ऊपर हल्का सा मैं हरा धनिया भी लगाऊंगी। इसी तरह से अब एक ब्रेड मैंने तैयार किया है, इसको रख और दूसरे ब्रेड को मैं, तो दूसरी साइड में मैं तेल लगा रही हूँ। ये मैं तेल में बना रही हूँ। ऐसे तेल लगाने के बाद इसी तरह से मैं इसे भी पतला पतला फैला लूंगी। ये मैंने दोनों तरफ फैलाया है। आप टिफिन के अंदर भी बच्चों को डाल के दे सकते हैं, एक भी डाल दे तो बहुत हो जाता है। ये पेट भी भरता है और लाइट भी रहता है। और इसी तरह से जैसे हमने दूसरा पकाया वैसे ही हमने ये भी पका लेना है। एक साइड से पक गया और मैंने इसे पलट दिया है। अब 2 मिनट के लिए दूसरी साइड भी पकने देंगे। ये हमारा आटा ब्रेड के साथ सूजी का ब्रेकफास्ट तैयार है, बहुत ही टेस्टी। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको दोनों तरफ से कोट किया है, दोनों तरफ से है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब ये बना है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, टिफिन में डालें या नाश्ते में दें, आपके सुबह के टाइम को बहुत बचाएगा। आप इसे ट्राई जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.